आज नहीं हो पाएगा वीडियो ये, सॉरी। किन एंड इट इज अ नॉन अल्कोहल फ्री टोनर, सॉरी नॉन अल्कोहल फ्री। हाय एवरीवन, नमस्ते, माय नेम इज अंतरा। कैसे हो आप लोग? गुड, परफेक्ट। सो टुडेज वीडियो इज माय मंथली फेवरेट्स वीडियो। देयर आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच आई हैव बीन यूजिंग, लाइक इट्स बीन अ मंथ सिंस आई एम यूजिंग एंड आई रियली लाइक देम एंड आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विद देम। सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू, माय मिनी रिव्यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऑल्सो काफी ज्यादा उसमें प्रोडक्ट्स ऐसे जो समर ओरिएंटेड है, सो आई थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम टू शूट द वीडियो एंड काइंड ऑफ लेट यू नो। तो अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। नाउ मूविंग ऑन टू माय फर्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज माय एब्सोल्यूट कल्ट फेवरेट एंड दिस इज अ सीरम बाय प्लम। सो इट इज देयर हाइलुरोनिक सीरम विद बुल्गेरियन रोज एंड इट सेज इट गिव्स हाइड्रेशन बूस्ट। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, लाइक आई लव इट टू अनदर लेवल। तो कहानी इसकी ऐसी है कि मुझे प्लम के प्रोडक्ट्स के साथ उनकी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था। सो मैंने सोचा लेट्स ट्राई इट आउट एंड इट वर्क लाइक मैजिक। इन 3-4 दिनों में मैंने काफी विजिबल डिफरेंस देखा अपनी स्किन में, इन टर्म्स ऑफ प्लम्पिनेस थोड़ी स्मूथ हो गई। और अभी वेदर ऐसा हो रहा है कि इट्स ड्राई एंड हॉट, सो आपको ऐसा कुछ हाइड्रेशन बूस्ट की बहुत ज्यादा नीड है। एटलीस्ट मेरी स्किन को तो बहुत ज्यादा नीड थी एंड दिस लव्ड लाइक वर्क्ड मैजिक। ये मेरी स्किन को एक नई लाइफ दे के चला गया। मुझे नहीं पता मैंने आज तक प्लम से कोई सीरम क्यों नहीं ट्राई करा, जबकि प्लम एज अ ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। एनी विच वेज, मैं आगे ट्राई करूंगी एंड आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ ऑल अदर सीरम्स जो प्लम के आते हैं। बट इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ सीरम और प्राइस भी देखना है आपको, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, वीगन फ्रेंडली है, क्रूल्टी फ्रेंडली है, गो फॉर दिस ब्रांड, यू विल लव इट एंड यू विल थैंक मी लेटर। मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रोडक्ट। अब क्योंकि प्लम की बात हो ही रही है और स्किन की बात हो रही है, सो आई हैव अ नाइट जेल फॉर यू विच इज माई मोस्ट फेवरेट एंड दिस इज बाय प्लम अगेन। सो दिस इज देयर क्लैरिटी ग्रीन टी क्लैरिटी नाइट जेल। मुझे ये नाइट जेल बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार इसे यूज कर लिया होगा और कितने इसके टब खाली कर चुकी हूँ, मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट रिमेम्बर बिकॉज मैं 4-5 साल से इस नाइट जेल को यूज कर रही हूँ एंड देयर इज नो गोइंग बैक। आई वॉन्टेड टू ट्राई अदर ब्रांड्स बट इससे मेरा अट्रैक्शन कम ही नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता क्यों। सो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखानी। दिस इज एट द जैसा लिखा हुआ है, इट्स अ जेल बेस्ड प्रोडक्ट। सो ये इन केस यू हैव अ ऑयली स्किन या आपकी स्किन ड्राई भी है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी बट कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है एंड यू हैव एक्नेस, दिस विल वर्क मैजिक। आप रात में लगाकर इसे सो जाओ और आपको काफी हाइड्रेशन मिलेगा आपकी स्किन में एंड ये काफी अच्छा वर्क करता है। सो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेट मी जस्ट शो यू द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। ये एकदम नाइट जेल बेस्ड है, अगर आप देखो तो बहुत अच्छे से स्किन में मेल्ट भी हो जाता है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी है, इट्स लाइक अ फ्रेश ग्रीन टी की जो फ्रेग्रेंस होती है, एलोवेरा की भी थोड़ी थोड़ी फ्रेग्रेंस आ रही है। मुझे नहीं पता इसमें एलोवेरा तो नहीं है बट पता नहीं कुछ वैसी आ रही है। पर इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट, काफी अफोर्डेबल भी है। मतलब इतना बड़ा टब आपको कुछ 600-700 रुपए में मिल जाता है, विच इज गुड। ये आराम से 1.5 महीने चल जाता है आपकी, मतलब अगर आप रोज भी लगा रहे हो तो। सो फॉर द प्राइस ऑल्सो इट्स गुड और ब्रांड एज इन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आई रियली लाइक प्लम एज अ ब्रांड एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद दिस ब्रांड। जब भी मेरे पास ऑफर आएगा मैं सबसे पहले इसी ब्रांड का ऑफर एक्सेप्ट करने वाली बिकॉज आई हैव यूज देयर ऑल प्रोडक्ट्स और मुझे कोई भी प्रोडक्ट ने डिसअपॉइंट करा नहीं आज तक। Now moving on to the third product, which is my absolute cult favorite again, and this is a face toner by Requel. So this is their pore refining face toner for oily acne-prone skin. It says it's alcohol-free and it has 9 botanical extract for visibly reduced pores. I believe it does what it claims. मेरे pores में मैंने काफी difference देखा, especially मेरे nose के area के पास, क्योंकि काफी blackheads हैं और आपके पोर्स का प्रॉब्लम भी इधर ही साइड होता है। मैंने काफी विजिबल डिफरेंस देखा, मेरे पोर्स मुझे काफी क्लीन लगने लग गए हैं, मेरी स्किन यहाँ इस एरिया की काफी क्लीन लगने लग गई है और मुझे लग रहा है जब से मैंने इसे यूज करना शुरू करा है तब से ही मैंने वो डिफरेंस देखा है। सो थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई टोनर इतना अच्छा काम कर सकता है एंड रिक्वेल एज अ ब्रांड ऑल्सो आई एम लविंग इट। लाइक आफ्टर प्लम जो ब्रांड ने मुझे अभी तक डिसअपॉइंट नहीं करा है वो है दिस ब्रांड एंड मैंने इसके काफी प्रोडक्ट्स यूज करे हैं और मुझे सारों ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। सो आई एम गोइंग टू यूज अदर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ब्रांड एज वेल एंड गिव यू अ मिनी रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ इट, ये 350 रुपीज का है। अगर मैं टोनर के हिसाब से देखूं
तो ठीक है, प्राइस ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, और ये ज्यादातर नायका पे कोई डिस्काउंट पे चलता नहीं, बिकॉज मैंने जब भी इसको खरीदा है 350 रुपीज में ही खरीदा है, तो काफी बार इसमें डिस्काउंट मिलेगा नहीं आपको। अगर मिल रहा है तो फटाफट ले लेना विदाउट गिविंग सेकेंड थॉट, एंड इनकेस आपको भी पोर्स की प्रॉब्लम है, विदाउट सेकेंड थॉट आप इसे ले लो एंड यू विल गोइंग टू लव इट। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस प्रोडक्ट इज कि इसको ना इसमें कोई स्प्रे नहीं है, सो आपको हाथ में देन कॉटन बॉल से वैसे यूज करना पड़ेगा। तो मैंने ना इसको ऐसे एक बॉटल में डाल लिया है जो ज्यादातर सभी करते हैं, एंड तब मैं इसे अपने मुंह में स्प्रे कर लेती हूँ। सो आप ये कर सकते हो इन केस आप ऐसे कंफर्टेबल हो, बिकॉज मैं तो ऐसे कंफर्टेबल नहीं होती है होती हूँ। अदरवाइज दिस प्रोडक्ट इज ग्रेट, एंड गो चेक दिस प्रोडक्ट आउट इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ गुड टोनर। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर प्रोडक्ट विच इज अगेन अ स्किन प्रोडक्ट, एंड दिस इज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो दिस इज बाय बायोडर्मा, दिस इज देयर अल्ट्रा नरिशिंग एंड रिपेयरिंग क्रीम। सो इट सेज इट रिपेयर्स, soothes and protects your skin. It is for normal to dry and sensitive skin people. I know a lot of you people have been thinking ki yaar meri skin to oily hai, why I'm using this kind of a cream product. So let me tell you one thing, abhi jo weather hai na, it's hot and dry, aur meri skin na bahut dry feel kar rahi hai, bahut flaky si feel kar rahi hai. At the same time because sweating bahut zyada ho rahi hai, to mujhe koi bahut zyada heavy bhi nahi chahiye product, बट ऐसा चाहिए जो मेरी स्किन को एटलीस्ट 5 से 6 घंटे मॉइस्चराइज करके रखे और हाइड्रेट करके रखे, अदरवाइज वो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लगती है, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। सो मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि आपको सीजन्स के हिसाब से अपना मॉइस्चराइजर चेंज करना चाहिए। इनकेस अगर वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो, अगर समर्स में बहुत ज्यादा स्किन ड्राई होती है यूज अ थिक क्रेम बेस्ड मॉइस्चराइजर, बिकॉज दैट्स हाउ योर स्किन वर्क। आपको टाइम के साथ एज के साथ अपनी क्रीम्स, अपनी मॉइस्चराइजर और अपना जो स्किन की हेल्थ का ध्यान रखते हुए चेंजेस करने पड़ते हैं। सो ये मेरे को काफी अच्छा सूट कर रहा है, और मेरे टी जोन के अलावा बाकी ना पूरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है अभी, सो दिस वर्क्स प्रेटी वेल फॉर माई स्किन। एंड एट द सेम टाइम मेरे आंकने भी नहीं हो रहे हैं, बिकॉज गर्मियों में मेरे आंकने का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बट ये जब से मैं इसे यूज कर रही हूँ आई हैव नेवर सीन इवन वन आंकने टचवुड यूजिंग लाइक आफ्टर यूजिंग दिस। सो दिस इज वर्किंग ग्रेट फॉर माई स्किन, एंड ये इतना ज्यादा बहुत ज्यादा क्रेम बेस्ड भी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स बेसिकली मिक्सचर ऑफ जेल एंड क्रीम, सो अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, इट्स लाइक मेल्स लाइक मैजिक, और ये काफी अच्छे से मेल्ट हो जाती है, और ये बिल्कुल जेल बेस्ड हो जाती है। अगर आप देखो तो इट इज नॉट लाइक वेरी हैवी ऑन टू योर स्किन, तो ये काफी अच्छा मेरे पे वर्क करती है। सो इन केस यू आर माय स्किन टाइप और आपको भी ऐसी ड्राइनेस और फ्लेकीनेस लग रही है, चेक दिस प्रोडक्ट आउट एंड यू विल गोइंग टू लव इट। Now moving on to another product which is again a face product and it is a sunscreen by Requil. ये मैंने आपको एक और अपने वीडियो में दिखाया था, this is something that I've been loving lately like anything. So this is their oxy benzone and OMC free sunscreen, and ये SPF 50++ पे है। I really like this, and this is basically for oily skin type. तो ये काफी अच्छा work करती है, it's not like very heavy onto your skin, और ये काफी अच्छा है, it's a cream plus gel based formula which is working great for my skin. आप एक बार इसे लगाओगे आपका हल्का सा white cast होगा, but एक बार जैसे आप massage कर लोगे it goes like magic, it melts like magic. एंड इट वर्क प्रिटी वेल फॉर माई स्किन। मैंने इसको रीस्टॉक कर लिया, मतलब मैंने इसके 2 डब्बे मंगा लिए, मुझे इस बार का टेंशन हो गया था कि यार खत्म ना हो जाए या कहीं स्टॉक आउट ना हो जाए। मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड दिस लाइक इस समर्स में तो इसने काफी अच्छा वर्क करा है और काफी अच्छा वर्क कर रही है, एंड इट हैज लाइक लिटरली सेव्ड मी। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ हाई SPF का सनस्क्रीन, गो फॉर दिस। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इसमें ऐसे एक मेडिसिन की फ्रेग्रेंस आती है, बट देन इट वर्क लाइक रियली नाइस, सो गो फॉर दिस विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। Moving on to another product which is a body product, and this is a body oil. I know summers में बहुत लोग body oil लगाना prefer नहीं करते हैं, but personally मुझे अपने body में body oil लगाना हर season में बहुत अच्छा लगता है। Like I use it all my season, be it summers, be it winters, be it rainy, क्योंकि मेरी skin जो पूरी body की it's comparatively drier than my face की skin. सो मुझे पर्सनली ऑयल का, एक तो ऑयल का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप ऑयल से मसाज करते हो, सो इट्स स्ट्रेंथन योर बॉडी और काफी अच्छे से आपकी मसल को भी स्ट्रेंथन करता है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इससे जो आपको हाइड्रेशन मिलता है, जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिलता है, वो कंपेरेटिवली कोई बॉडी लोशन से ज्यादा टाइम तक मिलता है। सो मुझे काफी अच्छा लगता है। सो दिस इज अगेन बाय प्लम, सो इट इज देयर बॉडी लविंग बॉडी ऑयल इन वनिला। ये मैंने एक दो डब्बे पहले ही खत्म करे हुए हैं, अभी तीसरा डब्बा मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है, एंड इट स्मेल्स लाइक वनिला,
एंड लाइक कोको और वनीला का फ्लेवर इतनी अच्छी स्मेल है, आप इसे लगाओगे ना अपने तो योर बॉडी विल लाइक स्मेल अमेजिंग ऑल डे. इट्स लाइक वेरी वेरी गुड. और मैं इसे अपने पूरी बॉडी में प्रॉपरली लगाती हूँ बिकॉज दैट वर्क्स बेटर फॉर मी. मैं इसे समर विंटर हाथ पे लगाती हूँ, स्पेशली ये वाला ही. क्यों? क्योंकि इसमें ना आप देखोगे इसका जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है. इट्स लाइक दिस इज नॉर्मल ऑयल की होती है, थोड़ी हैवी होती है. इट्स लाइक वेरी लाइट वेट. तो आप इसे ना अपने हाथों में, पैरों में अगर आपकी ड्राइनेस हो रही है आप लगा लो एंड इट वर्क्स लाइक बेटर देन, आई थिंक कि मेरी बॉडी में तो बेटर वर्क करता है देन द मॉइस्चराइजर, लाइक अ बॉडी मॉइस्चराइजर. सो ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है एंड प्लस इसकी फ्रेग्रेंस इज ग्रेट. सो इन केस यू लुकिंग फॉर अ बॉडी ऑयल और आपकी भी बॉडी थोड़ी ड्राई रहती है, यू कैन ऑप्ट फॉर अ बॉडी ऑयल रादर देन यूजिंग अ मॉइस्चराइजर. गर्मी में मुझे पता है बहुत लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, बट पर्सनली मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता और मुझे काफी अच्छा लगता है यूज करना. इससे पहले मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही थी फिगारो का, बट देन आई थॉट कि ये ज्यादा अच्छा है बिकॉज इट हैज ग्रेट स्मेल और ये उससे थोड़ा और लाइट वेट है. सो इन केस यू लुकिंग फॉर अ बॉडी ऑयल अगर आप लगाते हो, गो फॉर दिस, चेक दिस आउट एंड यू विल लव इट. Now moving on to another product which is a body lotion. So I've got this body lotion from Color Bar. ये नायका पे मिल रहा था और ये शायद उनका नया ही कुछ उन्होंने स्टार्ट करा है अभी. Color Bar ने ऐसा कुछ बॉडी मॉइस्चराइजर काइंड ऑफ बनाना. सो दिस इज देयर नैरोली नाइट्स बॉडी लोशन. इट हैज मॉइस्चराइजर विद शीयर बटर एंड विटामिन ई एंड इट सेज इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप. द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज कि ये ना काफी हैवी नहीं है. अगर आप और शीयर बटर और कोकोआ बटर के अगर आप और काफी ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत हैवी लगेगा आपकी स्किन में गर्मियों में. इट्स लाइक टू स्टिकी और वो बहुत ज्यादा अजीब सी हो जाती है गर्मियों में. बट ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका जो मॉइस्चराइजिंग लेवल है वो उतना है जितना एक्चुअल में रिक्वायर्ड है बॉडी में. एट द सेम टाइम ये वर्क भी बहुत अच्छा करता है, मतलब अगर आपने लगा के रखा है तो काफी टाइम तक आपकी बॉडी मॉइस्चराइज करके रखेगा. एट द सेम टाइम ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग इन समर्स, क्योंकि समर्स में ज्यादा स्टिकीनेस अच्छी नहीं लगती है और आपको काफी गर्म लगता है जब आप लगाते हो अपने बॉडी में ऐसा कोई हैवी मॉइस्चराइजर. सो अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखोगे तो ये काफी अच्छी है. अगर आप देखो ये काफी अच्छे से मेल्ट हो जा रहा है आपकी स्किन में और इसमें भी इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर हैवी क्रीम, इट्स लाइक अ लाइट क्रीम काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर. सो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. प्लस इट स्मेल्स लाइक अ फ्लावर, जैसे कोई बहुत सारे फ्लावर्स का मिक्सचर हो वैसा सेंट है इसका. आई रियली लाइक इट और ये काफी आप देख सकते हो मुझे इतना पसंद है कि खत्म ही होने वाला है और आई एम गोइंग टू रीस्टॉक दिस अगेन. ऑल्सो इसका बॉडी शार भी आता है, सो वो भी मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी. आई रियली लाइक दिस. इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं था, प्लस इसका ये जो पंप है ये भी काफी अच्छा और काफी स्टर्डी है. सो ये काफी अच्छे से आप इसको रखकर ऐसे बस प्रेस करके यूज कर सकते हो. यू डोंट हैव टू लाइक पिक इट अप एंड निकालो एंड देन यूज करो, इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज दैट इज अ हैसल. सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मॉइस्चराइजर जो ऑयली भी ना हो, स्टिकी भी ना हो, द सेम टाइम वर्क्स रियली गुड, गो फॉर दिस. नाउ मूविंग ऑन टू सम मेकअप प्रोडक्ट्स विच हैव बीन लविंग लेटली एंड इट वर्क लाइक मैजिक फॉर मी. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज माई कल्ट फेवरेट अगेन इज दिस कंसीलर बाय फॉरएवर 52. सो इट इज देयर कंप्लीट कवरेज कंसीलर. ये एक्चुअल में बहुत कंप्लीट कवरेज है, लाइक 100% कंप्लीट कवरेज. अभी भी मैंने इसे यूज करा हुआ है, काफी अच्छा वो करता है. लाइक अगर आप थोड़ा सा भी लगाओगे यू ब्लेंडेड आउट, इट वर्क्स मैजिक. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफी थिक है, लाइक अ कंसीलर कंसिस्टेंसी. इट्स फुल कवरेज और आप इसे बस अगर आप गर्मियों में ना यू जस्ट यूज दिस ओनली ऑन टू योर स्किन आफ्टर लाइक मॉइस्चराइजर अगर आपने लगा लिया यू गुड टू गो. यू डोंट हैव टू यूज लाइक अ प्रॉपर, आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये काफी हैवी इफेक्ट क्रिएट कर देता है आपकी स्किन पे. सो आई रियली लाइक दिस. दिस इज व्हाट द शेड लुक्स लाइक. दिस एब्सोल्युटली वर्क्स वेरी लाइक मैजिक फॉर माई स्किन. ये मेरे स्किन से एक टोन ज्यादा या दो टोन ज्यादा होगा मैक्सिमम. सो ये काफी अच्छा वर्क करता है एज अ हाईलाइटर ऑल्सो और कंसीलिंग में भी काफी अच्छा वर्क करता है. सो इन केस यू लुकिंग फॉर अ गुड कंसीलर, गो फॉर दिस प्रोडक्ट. काफी कम लोगों को मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए देखा, बट दिस इज बेटर देन मेबेलिन एंड एनी अदर कंसीलर दैट पीपल आर रेविंग अबाउट. सो इन केस यू लुकिंग फॉर इट, जस्ट give it a try, we'll never regret it. Now moving on to another my favorite product these days, and this is a foundation by K by Katrina. So this is what the product looks like, and I'm in this shade 110 neutral light. सबसे अच्छी बात इसकी ये कि ये हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को, बिकॉज अभी स्किन मैंने जैसे बताया मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, बहुत फ्लेकी हो रही है. सो इसको लगाने से मेरी वो फ्लेकीनेस नहीं लगती है स्किन में, वो ड्राइनेस. बिकॉज अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो कोई ड्राई फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन आप लगाओगे तो वो फ्लेकीनेस ज्यादा लगेगी और आपका चेहरा एकदम बहुत ही ज्यादा
ड्राई ड्राई सा लगेगा, सो इसलिए मुझे काफी अच्छा लगता है. दिस गिव्स लाइक अ हाइड्रेशन बूस्ट ऑन टू योर स्किन. ऑल्सो इसका कवरेज बहुत अप्रोप्रिएट है समर्स के लिए, क्योंकि समर्स में आपको ज्यादा हेवी या केकी मेकअप पसंद नहीं होता, आप कोई भी चीज फुल कवरेज लगाना नहीं चाहते हो. ये बिल्डेबल है ऑब्वियसली, बट अगर आप एक बार इसे लगा लोगे प्रॉपरली तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं लगाया, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. ये काफी अच्छे से स्किन में मेल्ट हो जाता है. अगर आप इसे मॉइस्चराइजर में भी मिक्स करके लगाना चाहते हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो. इट वर्क्स लाइक मैजिक स्पेशली फॉर समर्स. आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट और मैं हर वीडियो में यही फाउंडेशन लगाती हूँ, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. आई लव इट. ऑन टू अनदर मेकअप प्रोडक्ट विच इज अ मस्ट फॉर समर सीजन, एंड दिस इज अ लिप एंड चीक टिंट. सो आई गॉट दिस लव अर्थ का चीक ब्लश. सो बेसिकली इट्स अ क्रेम ब्लश एंड इट इज बेसिकली यूज फॉर योर फॉर ब्लशिंग. आप इसको लिप्स पे भी लगा सकते हो एंड आईलिड पे भी लगा सकते हो. इट वर्क्स लाइक ग्रेट. इसकी जो यूसेज है वो काफी अच्छी है. प्लस द शेड इज बॉम. इसको मैंने यहाँ पे स्वॉच करा हुआ है, आप देख सकते हो. मैंने अपने स्किन में भी अभी यही लगाया हुआ है. इट मेल्ट्स लाइक अमेजिंग. लेट मी जस्ट गिव यू अ स्वॉच ऑफ इट. इट वर्क्स अमेजिंग. अगर आप देखो तो कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, और आप काफी टाइम तक ऐसे करके ब्लेंड करते रहोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन ही है. एंड इट वर्क्स लाइक वेरी वेरी गुड फॉर योर समर्स, क्योंकि समर्स में थोड़ा पाउडर ब्लश लगाना इट्स लाइक नॉट माई कप ऑफ टी. सो आई प्रेफर यूजिंग दीज काइंड ऑफ ब्लशेस जो बहुत नेचुरल फिनिश देते हैं, एट द सेम टाइम यू लुक प्रेजेंटेबल. सो इट इज लाइक अ बेटर स्किन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. सो ये मुझे काफी अच्छा लगा. प्लस दिस ब्रांड इज ऑल्सो ग्रेट. प्लस द शेड इज ऑल्सो ग्रेट. इट इज अ न्यूड शेड विद द हिंट ऑफ ऑरेंज विच आई रियली लाइक. और ऐसा कोई ब्लश मेरे पास था भी नहीं. आजकल मैं रोज इसे ही ब्लश लगा रही हूँ जब भी कोई वीडियो बना रही हूँ या बाहर जा रही हूँ, बिकॉज इट वर्क्स लाइक वेरी गुड और इट समर फ्रेंडली है. सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्लश लाइक अ क्रेम ब्लश, बिना कुछ सोचे ही बड़े लेके देखना, एंड यू नेवर रिग्रेट इट. द लास्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज अ ब्राउ पेंसिल बाय एल्फ. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. सो इसका जो शेड है उसको स्वॉच मैंने करा हुआ था. This is what the swatch of this looks like. मैंने इसे भी अपने brow में भी लगा रखा है. This works pretty well for me. Plus एक spoolie के साथ भी आता है, so आप अच्छे से इसको you know properly करके and then you can use this brow pencil. ये काफी अच्छी है. Plus इसका जो price है वो भी काफी अच्छा है. It's like for 250 rupees या 200 की है, और ये काफी अच्छी quantity आ रही है. Plus it works like really natural. इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगा रखा है, which is a very good thing. So ये काफी अच्छी लगी मुझे. एंड ऑल्सो बिकॉज समर्स में आपको यू नो ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, सो जस्ट आप अपने ब्राउ में थोड़ा सा स्पूली चला के थोड़ा सा उसे सेट कर लो, लाइट सी एक लिपस्टिक लगा लो, हल्का सा ब्लश लगा लो, एंड गुड टू गो. ऑल्सो मस्कारा वो मेरे लिए तो मस्ट है, गुड टू गो. सो ये समर एसेंशियल भी हो सकता है एक तरह का. सो इनकेस यूर लुकिंग फॉर अ गुड ब्राउ पेंसिल, गो चेक दिस आउट, यू गोना लव इट. Okay, so with this we come to the end of our video. I hope you found the video really helpful and you like it. In case you like it, don't forget to hit a like button. Also, please do subscribe to my channel for more such videos. मुझे Insta पे भी follow कर लेना. My Instagram handle is @GracieBliss30. Go check it out. मैं काफी reels बनाती रहती हूँ उसमें, आप वो भी check out कर लेना. Till then, stay happy, stay healthy, take care of your skin. Happy summers. Bye bye. Take care.